नमस्कार, मेरा नाम है सचिन। आप देख रहे हैं सचिन शो। आज की हमारी कहानी जितनी पेचीदा है उतनी ही रहस्यमयी भी कहानी है। कहानी है मुंबई शहर के एक इलाके नवी मुंबई की। इसी नवी मुंबई इलाके के पास एक कलंबोरी पुलिस स्टेशन पड़ता है। उस कलंबोरी पुलिस स्टेशन की पूरी टीम और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पूरी टीम एक खारगर ओ कैंप जंगल को 10 दिन तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक छानबीन करती रहती है। अब आखिर पुलिस की टीम ऐसा उस जंगल में क्या ढूंढ रही थी? तो एक स्पेशल कोड जिसके बारे में पुलिस जानना चाहती थी। यदि वो कोड पुलिस ढूंढ लेती तो शायद एक गुम हुई लड़की का पता भी चल जाता। अब आखिर उस कोड में ऐसा क्या था, पुलिस को वो कैसे मिला और ये कोड किसने दिया था और कोड में आखिर क्या था ऐसा, तो यही सारे सवालों को समझने के लिए हमको ठीक एक महीने पहले यानी 12 दिसंबर 2023 की तारीख में चलना पड़ेगा। बात 12 दिसंबर 2023 की तारीख की है। मुंबई इलाके के पास नवी मुंबई इलाका है, वहां पर एक परिवार रहा करता था। उसी परिवार में एक बेटी रहा करती थी जिसका नाम है वैष्णवी। वैष्णवी 19 साल की उम्र है, देखने में खूबसूरत और बीई ऑनर्स की पढ़ाई कर रही है। वो रोजाना की तरह अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है। लोकल ट्रेन पकड़कर उसी इलाके के थोड़ा सा आगे उसका कॉलेज हुआ करता था। रोजाना की तरह जाती है लेकिन घर उस दिन नहीं लौटती है। घर वाले पूरे दिन परेशान हो जाते हैं, रात बीत जाती है लेकिन वैष्णवी का कुछ पता नहीं चलता है। इधर घर वाले वैष्णवी की बहुत परेशान, जान रिश्तेदार आसपास के लोगों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं वैष्णवी का पता, लेकिन कहीं भी वैष्णवी का पता नहीं चल पाता है। तभी वो पास के ही एक इलाके कलंबोरी पुलिस स्टेशन पड़ता है, वहां पर जाकर अपनी बेटी वैष्णवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। अब पुलिस की टीम उस रिपोर्ट को दर्ज करके वैष्णवी की तलाश शुरू करती है। लेकिन 12 दिसंबर को वैष्णवी गुम हुई थी, पूरा महीना बीत जाता है और 2024 जनवरी आ जाता है लेकिन वैष्णवी का कुछ भी पता नहीं चलता है। इधर पर माँ बाप वैष्णवी के, वहां के कॉलेज के स्टूडेंट लोग, वैष्णवी को जानने वाले पुलिस का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एक महीने होने वाले हैं और वैष्णवी की गुमशुदगी का कुछ भी पता अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। पुलिस पर भी दबाव था और उसी रोज होता यह है कि जिस दिन वैष्णवी गुम हुई थी यानी 12 दिसंबर 2023 को, इस इलाके से करीब 15 किलोमीटर दूर एक इलाका पड़ता है, जेई नगर इलाका। वहां पर एक रेलवे स्टेशन के पास एक नौजवान युवक जिसकी उम्र करीब 24-25 साल, रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिलती है। उसने खुदकुशी कर ली थी। रेलवे पुलिस की टीम उस बॉडी को आइडेंटिफाई करती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसके पास जो आइडेंटिफिकेशन के तौर पर मिला था उसके घर वालों को इन्फॉर्म करती है और उसके बाद उस लाश को उनके घर वालों को सौंप देती है। लेकिन जो उस लड़के से कुछ प्रूफ मिले थे, कुछ सामान मिले थे, उसे रेलवे पुलिस की टीम एक केस प्रॉपर्टी के तौर पर अपने पास रख लेती है कि कभी ये मामला खुला तो मामले की सुनवाई के लिए ये सारे केस के तौर पर एक प्रूफ होंगे। इधर इस कलंबोरी पुलिस स्टेशन पर इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अब कलंबोरी पुलिस स्टेशन के कमिश्नर एक SIT का गठन करते हैं और अपनी स्पेशल फोर्स को लगाते हैं सिर्फ वैष्णवी को ढूंढने के लिए। जब वो पुलिस की टीम वैष्णवी को ढूंढने की तफ्तीश शुरू करती है, उसके कॉलेज में जाकर पूछताछ करती है, आसपास इलाके में छानबीन करती है और जहां पे भी CCTV फुटेज लगे हुए हैं वो चेक करती है, तभी एक CCTV फुटेज पर वैष्णवी उस दिन जाते हुए अपने कॉलेज दिखाई देती है। उस दिन वैष्णवी अपने कॉलेज भी गई थी, फिर उसके बाद कॉलेज से आते हुए भी उस CCTV फुटेज पर कैद होती है और रोजाना की तरह वो रेलवे स्टेशन पर जाकर अपने नवी मुंबई की ट्रेन पकड़कर उस पर बैठ जाती है। लेकिन पास में ही एक इलाका पड़ता है खारगार, उस इलाके पर उतर जाती है। तब भी वो तनहा थी, अकेली थी। कुछ देर बाद जब दूसरी CCTV फुटेज खंगालती है पुलिस तो देखती है कि वैष्णवी एक अनजान लड़की के साथ एक खारगर ओ कैंप जंगल फॉरेस्ट है उसकी तरफ जा रही है। उस जंगल की तरफ भी बढ़ती है पुलिस, वहां पर भी CCTV फुटेज देखती है तो वैष्णवी और एक लड़का उसके साथ उस जंगल की तरफ जा रहे थे।
लेकिन कुछ देर बाद वो तस्वीर जब देखती है तो वो लड़का तो वापस लौट आया था, लेकिन वैष्णवी उसके साथ नहीं थी। अब पुलिस की टीम का माथा ठनकता है, क्योंकि पुलिस की टीम समझ नहीं पा रही थी कि एक महीने से एक लड़की गुमशुदा है, और जो 12 तारीख को सीसीटीवी फुटेज मिली थी उसमें एक लड़के के साथ एक जंगल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन वापसी में सिर्फ वो लड़का था, अब उसके साथ वैष्णवी नहीं थी। कुछ देर की सीसीटीवी फुटेज और देखती है पुलिस, लेकिन कहीं कोई आने का वैष्णवी का प्रूफ नहीं मिल पाया था। पुलिस की टीम उस लड़के का पता लगाती है उसके लिए, क्योंकि अभी उस लड़के का सामने क्लियर तौर पर चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। तो पुलिस की टीम डिसाइड करती है कि वैष्णवी के मोबाइल को खंगाला जाए। पुलिस की टीम वैष्णवी के CDR को निकालती है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड को निकालती है, और उस दिन जिस दिन वैष्णवी गुम हुई थी प्रॉपरली उस दिन का कॉल डिटेल देखती है। तभी वो देखती है कि वैष्णवी का उस दिन एक नंबर पे ज्यादा बातचीत हुई है, और उस नंबर पर उस दौरान भी बातचीत हुई है जिस दौरान वो गुम हुई थी। तब वो उस नंबर को लेकर उस नंबर की भी CDR निकालती है, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालती है। तब पता चलता है कि ये एक नवी मुंबई के पास रहने वाले युवक जिसकी उम्र करीब 24-25 साल, जिसका नाम वैभव, उसका है, और इसकी लगातार वैष्णवी से अक्सर बातें हुआ करती थी। अब पुलिस की टीम उस वैभव के घर जाती है, क्योंकि वो ही एक अहम सुराग था, या कहें आरोपी था, जिसकी आखिरी मुलाकात वैष्णवी से हुई थी, तो वही कुछ वैष्णवी के बारे में बता सकता था। पुलिस की टीम जब जाती है वैभव के घर तो कहानी ही पलट जाती है। जब उसके घर वाले बताते हैं कि वैभव एक महीने पहले ही उसने खुदकुशी कर ली है, जब पुलिस की टीम ये सुनती है तो पुलिस की टीम भी हैरान हो जाती है। लेकिन फिर पुलिस की टीम पूछती है कि किस दिन, तब वो उसके घर वाले बताते हैं कि बीते 12 दिसंबर को ही वैभव ने सुसाइड कर लिया था। अब पुलिस की एक टीम तुरंत वैष्णवी के घर जाती है, और दूसरी टीम उसी JE नगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पुलिस स्टेशन पर जाती है। घर पर पुलिस की एक टीम वैष्णवी के घर आकर उसके घर वालों से पूछती है कि वैभव नाम के आप किसी लड़के को जानते हैं जिसके साथ संबंध रहे हैं वैष्णवी के? तब वो घर वाले पुलिस की टीम को बताते हैं कि हाँ, वैष्णवी और वैभव एक दूसरे से प्यार करते थे और इसके बारे में हमको पता था। तब हमने वैष्णवी को समझाया था कि वो कास्ट अलग है, समाज क्या कहेगा, और वो तुमसे पढ़ा लिखा भी कम है। इसके बाद वैष्णवी उससे दूर रहने लगी थी, और वैष्णवी ने सारे सोशल मीडिया से लेकर उसको फोन कॉल पर भी ब्लैकलिस्टेड कर दिया था। इसके बाद वैभव लगातार परेशान रहा करता था, अक्सर वैष्णवी के कॉलेज में जाकर चक्कर लगाया करता था, देखा करता था दूसरे लड़कों से बात करते हुए, तो उसे लगता था कि वैष्णवी अब भूल चुकी है और वो किसी और के साथ खुश है। इतनी बात पुलिस की टीम को वैष्णवी के घर वाले बताते हैं कि यही सारी बात थी, उसके बाद तो कुछ पता नहीं। उधर दूसरी टीम जो JE नगर के रेलवे पुलिस स्टेशन पर गई थी, वहां पर वैभव की सुसाइड के बारे में जानने की कोशिश करती है कि आपको इस तरह की एक डेड बॉडी मिली थी जिसने सुसाइड किया था, वैभव नाम था। तो उस रेलवे पुलिस स्टेशन में जो वैभव के केस प्रॉपर्टी के तौर पर सबूत पड़े हुए थे वो कलमबोरी पुलिस स्टेशन को लिखा पढ़ी के बाद सौंप देती है। उस सबूत के तौर पर कलमबोरी पुलिस स्टेशन के पास एक पुख्ता प्रूफ सामने लगता है, वो था वैभव का मोबाइल। वैभव का मोबाइल जब खंगालती है तो उसके टेक्स्ट मैसेज पर जाकर देखती है तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने वैष्णवी को मार दिया है और उसकी लाश खारगर के ओ कैंप जंगल में पड़ी हुई है, जिसका कोड है L01501। अब ये L01501 जब कोड देखती है तो पुलिस की टीम तुरंत उस खारगर ओ कैंप जंगल की तरफ बढ़ती है और छानबीन शुरू करती है, लेकिन पूरे दिन छानबीन कर लेती है, कोई भी सुराग नहीं मिलता है। और अभी जो मैसेज पर लिखा था उसके तहत तो यही था कि वैष्णवी को वैभव ने मार दिया है, लेकिन अब केस तो सुलझ गया था, अभी भी बाकी थी तो सिर्फ वैष्णवी की लाश को बरामद करना। लेकिन इसी तरह 6 तारीख को जब ये मामला सामने आया, 6 तारीख से करीब करीब 8 दिन बीत चुके थे, जंगल में पुलिस की टीम यूं ही सुबह लगातार 8 बजे से उस छानबीन को शुरू करती है और रात में 8 बजे तक, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता है तब तक छानबीन करती रहती है कि कहीं वैष्णवी की लाश मिल जाए, लेकिन कहीं भी लाश नहीं मिलती है। और उस कोर्ट को भी डिकोड करने की कोशिश कर रही थी
क्योंकि आखिरी में वो कोड ही था जो वैष्णवी के पास पहुंचा सकता था। लेकिन पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कोड आखिर है क्या। इस कोड के डिकोड करने के पीछे पूरी पुलिस की टीम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम और अलग अलग एसआईटी की टीम लग जाती है, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी हासिल नहीं हो पाया था। तभी इस छानबीन के बाद 6 जनवरी से ये छानबीन शुरू हुई थी। 16 जनवरी को अचानक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पूरे स्टाफ को बुलाकर पुलिस की टीम पूछती है कि आखिर ये कोड L01501 क्या है। तब उसमें से एक शख्स बोलता है कि आप इस कोड को फिर से दोहराइए। तब वो बोलता है कि L01501। तब वो बोलता है कि चलिए मैं दिखाता हूँ ये कोड कहाँ है और क्या है। वो एक इलाके पर ले जाता है, उस जंगल पर, और वहां पर ले जाकर पुलिस की टीम को खड़ा कर देता है। और जब पुलिस की टीम वहां पर छानबीन शुरू करती है तो एक लाश, जो 1 महीने पुरानी वैष्णवी की लाश पड़ी हुई थी, बदन पर पूरे कपड़े थे। और फिर उसके बाद वैष्णवी के घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। घर वाले वैष्णवी की उस लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि 1 महीने से गुम हुई उस वैष्णवी की है, अर्थात उनकी बेटी की है। और जो कोड था वो दरअसल कुछ और नहीं, वो कोड एक पेड़ का कोड था। जैसे आप जानते होंगे कि फॉरेस्ट में हर पेड़ का एक कोड दिया जाता है, उनके नंबरिंग की जाती है ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उस पेड़ को तोड़ा ना जा सके, उस जंगल में कितने पेड़ हैं उनकी एक प्रॉपर नंबरिंग हो, उसी का एक कोड था। लेकिन उसके बाद जो कहानी सामने आई वो कहानी ये थी कि जब से वैष्णवी ने वैभव से बात करना बंद की थी उसके बाद अचानक से वैभव परेशान रहने लगा था। तभी वो 12 दिसंबर को मिलने की फिराक पर वैष्णवी को उस खारगार के वो कैंप जंगल पर लेके जाता है, वहां पर मनाने की कोशिश करता है, लेकिन विरोध करती है वैष्णवी और बोलती है कि अब हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कास्ट अलग है और हम यूं ही अलग रहेंगे। लेकिन गुस्से में तिलमिलाया वैभव उसे गला घोटकर वहीं पर मार देता है। और वहां से छोड़कर वो रेलवे ट्रैक के पास जाकर एक मैसेज टाइप करता है जिसमें वो लिखता है कि मैंने वैष्णवी का कत्ल कर दिया है और उसकी लाश खारगर के ओ कैंप जंगल पर पड़ी हुई है जिसका कोड L01501 था। उसी की तलाश करने के लिए पुलिस 10 दिनों तक अलग अलग टीमों के साथ ढूंढती रही, लेकिन वो 10 दिन के बाद उसे एक लाश के तौर पर, वैष्णवी की लाश बरामद हुई। तो ये थी आज की हमारी अफसोसनाक कहानी जिसका अंत इतना पेचीदा था कि एक कोर्ट को ही 10 दिन तक ढूंढती रही और मुंबई पुलिस एक केस को पूरा करने के लिए 1.5 महीने लगा दिए और उसके बाद भी जो मिला वो आखिर एक लाश के तौर पर थी। तो ये थी इश्क की एक तरफा कहानी जिसमें एक लड़के ने अपने जीते जी अपने एक लड़की का जीवन तो उजाड़ ही दिया, साथ ही अपना भी उजाड़ दिया। लेकिन इसमें जो पेचीदा और रहस्यमयी एक कहानी थी कि उसने एक ऐसा कोड छोड़कर गया कि जिसको तलाश करने में मुंबई पुलिस के भी पसीने छूट गए और आखिर में एक फॉरेस्ट के एक माली ने उस कोड को आइडेंटिफाई कर दिया, उस कोड को डिकोड कर दिया। तो कैसी लगी आज की मेरी ये कहानी, आप मुझे कमेंट कर अपनी राय बताना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं इसी तरह की रोजाना आप तक नई वीडियो, नई कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले दिन पर एक नई कहानी लेकर। जब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।